नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माँ शारदा कोचिंग में और मैं हूँ आपके साथ सौमित। तो देखिए, इस बार का जो टॉपिक है वो एक प्रकार से कह लीजिए कुछ बच्चों के जो इरादे हैं उन पे वो पानी फेरता नज़र आ रहा है। तो देखिए, हम आपको लेकर आए हैं जो आज का टॉपिक है, तो उसमें जो नवोदय विद्यालय जो इस बार 2025 का जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो जनवरी में कंडक्ट कराने जा रहा है, उसमें एक बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले आप कह लीजिए उन बच्चों के लिए जो रिपीटर्स हैं, मतलब या फिर कह लीजिए जो बच्चे ओवर एज हैं उनके लिए। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि एक बार बहुत बड़ी मिस्टेक इस बार नवोदय विद्यालय ने कर दी है। कैसे उसको सुधारा जा सकता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मतलब देखिए, सबसे पहले जो हमारी मिस्टेक हुई है वो हुई कहाँ पे है, आप इस बात को देख लीजिए। देखिए, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ वाला सेक्शन है, सभी को देखिए बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, देखिए मैं आपको एक बार दिखा लेता हूँ। देखिए, आपको पता ही लग गया होगा कि आपका सैटरडे में मतलब 12 अप्रैल आपके जम्मू कश्मीर वगैरह कुछ इस पे जो ये राज्य हैं इनमें है, और 18 जनवरी को जो बाकी के इसमें दे रखा है, ठीक है ना, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गोवा, छत्तीसगढ़, मतलब बाकी ये आपके पास सामने लिस्ट है, इन सब में आपका पेपर है। पहले से ही आपकी तैयारियां चालू कर दी होंगी, आपने नहीं करी हैं तो पहले आप फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि अब तो फॉर्म में ही आपके बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, अभी मैं आपको उसको देख लेता हूँ एक बार, वो कहाँ पे है प्रॉब्लम ये है। हाँ, एक मिनट देखिए सब आपका, मतलब क्या इसका सिलेबस होता है क्या नहीं, ये सब आप हमारे वीडियो से आप देख सकते हैं। और नवोदय विद्यालय की तैयारी आप हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपका इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस कंप्लीट होता है, तुरंत हमारी मतलब तैयारी पहले ही चल जाएगी, हालांकि ठीक है ना, जल्दी में ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ठीक है, जिसको व्हाट्सअप का चैनल हमारा ज्वाइन करना है, क्योंकि उसमें हम जितने भी जानकारी है, जितने भी वीडियो के लिंक हैं, मतलब कि आपका कह लीजिए जो फॉर्म भरने के प्रोसेस से संबंधित है, तैयारी करने के प्रोसेस से संबंधित है, तो वो हमारा आप टेलीग्राम पर भी माँ शारदा कोचिंग का ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप, अब तो व्हाट्सअप चैनल भी है, तो आप उस पर भी जहाँ पे सर्च बॉक्स में कम्युनिटी में जाके वहाँ आप चेक कर सकते हैं माँ शारदा कोचिंग नवोदय, ठीक है ना, एडवाइज़र, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अभी वो जल्दी में मतलब कि उसको एबॉलिश किया गया जो पिछली बार वाला था, ठीक है ना, उसको नई सीरीज से हम चालू कर रहे हैं। लेकिन देखिए, एक मिनट, जो हम लेकर आए हैं वो कंसर्न सबसे पहले मिल जाए तो उसी पे ही डिस्कस हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए ये रहा, देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आई है बच्चे के लिए। बच्चे को प्रॉब्लम आई है कि वो बोर्न बिफोर 1/5/2013 और एंड आफ्टर 31/7/2015। देखिए इसमें जो आया है यहाँ पे वो जो चक्कर है, ये बीच में मात्र 2 साल का बीच में अंतर है। देखिए मान लीजिए गलती कहाँ हुई है भाई, यदि बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के भी बाद फर्स्ट में आता है तो भी 3 साल का गैप होना चाहिए था, एज मतलब बीच में एज रिलैक्सेशन। देखिए एक बच्चा तो डायरेक्ट फर्स्ट में भी पहुंच रहा है, क्योंकि कई बार घर पे मतलब कि परवरिश वगैरह हो जाती है, उसके बाद वो पहुंच रहा है। मान लीजिए कि 1 साल मतलब कि बच्चा, कई बार वो 3 साल के बाद 4 साल में उसको एडमिशन कराते हैं, ठीक है, कई फैक्टर या गार्जियन वगैरह मतलब करते हैं, तो लगभग ये 3 साल का गैप होना चाहिए था कि जिससे मतलब बच्चे जो रियली में 5वीं क्लास में हैं वो नहीं एडमिशन पा पा रहे हैं। बहुत सारे, देखिए हमारे यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे मतलब 5वीं क्लास में ही हैं, कोई 1 महीने से छोटा बैठ रहा है, कोई 2 महीने से छोटा बैठ रहा है, कोई 3 महीने से। लेकिन इस बार ये बड़ी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि ये पहले भी हो जाता था, इस बार बड़ी प्रॉब्लम के पीछे एक कारण है, वो है पैन नंबर। पैन नंबर क्या होता है इसके बारे में अब आपको जानकारी दे दूं। तो देखिए, जो बच्चे ये गलती करने जा रहे हैं कि वो आधार कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करा के वो फॉर्म भर लेंगे, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी मिस्टेक उस समय साबित होगी जिस समय उनका नंबर आ जाएगा और वो एडमिशन कराने के लिए नवोदय विद्यालय में पहुँचेंगे। क्या है ये खेल, देखिए इसको बड़े बारीकी से समझिए। अब से पहले जो होता था वो नवोदय विद्यालय के नंबर आने के बाद जो आपके स्कूल के हेडमास्टर होते थे उनके हाथ में सब प्रोसेस होता था। मतलब कि भाई आपका नंबर आ गया है, आपने डेट ऑफ बर्थ पहले ही हेडमास्टर ने सेट कर ली है कि बच्चे को उसे ठीक करा देंगे, जांच कोई होती नहीं थी इतनी,
ठीक है ना। लेकिन जो सरकार की नई पॉलिसी के अनुसार प्रत्येक बच्चे को एक पैन नंबर मिला हुआ है परमानेंट, उसका अकाउंट मतलब कि अकाउंट नंबर है उसमें, मुझे उसकी फुल फॉर्म नहीं पता है, लेकिन वो पैन नंबर मिला हुआ है। पैन नंबर क्या है कि हर स्टूडेंट का अपना एक नंबर है। सभी स्कूलों को जो मान्यता प्राप्त हैं उनको आदेश हैं कि वो अपने स्टूडेंट का पोर्टल पे वो चढ़ा के रखेंगे, रख रहे हैं सभी। अब जैसे ही वहाँ पे आप नवोदय में सिलेक्शन कराने पहुँचेंगे, अपना एडमिशन कराने पहुँचेंगे, तो वो आपको जब टीसी देगा तो आपको पैन नंबर भी देगा। जब वो पैन नंबर उसमें डाला जाएगा तो आपकी जो रियल डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी मानी जाएगी। वहाँ आप इस मुद्दे पर फेल होते नजर आएंगे। तो देखिए अब करना क्या है, करना क्या है, जो रियली में इस काबिल आ रहे हैं, हालांकि हमारा यहाँ से कोई सजेशन बनता नहीं है, ना ही कोई मतलब हम सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि भाई देखो नवोदय के लिए चैनल पे काम करते हैं तो वायलेशन यही है कि हम उसको मतलब कि नहीं बताएं। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि रियली में है तो आप उसको चेंज कराएं, अपने स्कूल से बात करें, स्कूल के भी उसको वहाँ पे मतलब कि आप जाएं और उसको बताएं कि अपनी प्रॉब्लम के बच्चा रियली में है और वो पाँचवीं में है, तो इस तरीके से यदि वो आपके स्कूल सेटिस्फेक्शन हो जाता है और वो वहीं से ही चेंज होगा पहले स्कूल के पोर्टल से। ये गलती ना करें कि यहाँ पे आप इस चेंज करा के और आप फॉर्म भर दें और आपका नंबर आ जाएगा और स्कूल वाले में चेंज नहीं हो पाया तो आप 400 BC में भी फंस सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसलिए देखिए जो भी बच्चा इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है या और भी प्रॉब्लम फॉर्म भरने में आ रही है, हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देवी लिंक के अनुसार, ठीक है ना, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए नवोदय में नंबर आपका आना चाहिए। जो बच्चे नहीं रहे, जो बेचारे इस डेट ऑफ बर्थ वाले सर्कल में फंस चुके हैं, उनके उनके लिए बहुत ही भाई दुख की बात है कि वो फॉर्म नहीं मतलब कि नवोदय का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, या फिर भर भी जाएं तैयारी कर लेंगे, लेकिन फिर भी देखिए टोटल तैयारी आपको मैं इस बार कराने जा रहा हूँ। देखिए 2 साल से पिछले हमारा 9 साल से हमारा ये मतलब कि कोचिंग इस पे है, ठीक है ना, क्योंकि इस साल 9वां साल हमारा चल रहा है, लेकिन 2 साल से पिछले तैयारी नहीं करा पाए थे, उसके पीछे कारण थे कुछ, लेकिन आपकी ये तैयारियाँ हम प्रॉपर वे में कराने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड बच्चा है, फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम वीडियो लेक्चर के माध्यम से, सैंपल पेपरों के माध्यम से, सब तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा जो चैनल है, जो हमारी कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि कब से आपकी तैयारी की तैयारी, यहाँ तो ऑफलाइन की चल रही है, ऑनलाइन की कब से चलेगी उसके लिए जल्दी आपको नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और नवोदय से टोटल जानकारी संबंधित वो है चैनल पे, प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, नवोदय से जुड़ी सभी जानकारी वहाँ सब आपको जानकारी मिल जाएगी। नहीं भी है मैं आपको बताऊँगा। आपका साथी सौमित कुमार, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।